विकास आंखें खोलो, अब तुम खतरे से एकदम बाहर हो। बस तुम्हारा पैर जो है जो गया है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक रॉड पड़ेगी, महीने दो महीने बाद एकदम चलने फिरने लायक हो जाओ, बाकी कोई चिंता की बात नहीं। विजय जी सर, इनको एक पेन किलर डाइक्लोफेनाक लगा दो, बस ठीक है सर। ठीक है सर, पता चल गया भैया जी कौन था। कौन था वो रमेश केबल वाले? कहाँ था? आप बोले तो अभी ठोक दे सर। उसको कोई कुछ नहीं करेगा, उसको मैं अपने हाथों से मारूंगा। ठीक है, पहले आप जल्दी से ठीक होकर घर आ जाइए, फिर देखते हैं साले को। बैठो बे। अबे बैठ। माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं, और ये गुनाह तेरी जिंदगी की आखिरी गलती है। अमर दुबे जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जनता एक ऐसी जात है जो कभी भी किसी की वफादार नहीं होती, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या फिर कुछ भी, और इस बात की दुबे को राजनीति में आने से पहले ही समझ थी, इसीलिए उसने अपने कई तरीके अपनाए। पुलिस स्टेशन में लिखी जाने वाली एफआईआर दुबे के दरवाजे पर एक गुहार बन गई। कोर्ट कचहरी में सालों खींचने वाले केस एक चाय की प्याली पे सुलझाने लगा दुबे। बिना चेहरे वाली सरकार और अंधे कानून से तंग आए लोगों ने दुबे के नाम को अपना सहारा बनाया। जैसा जैसा दुबे चाहता था वैसा वैसा होता गया। ऐसा नहीं था कि सभी उसके साथ थे, जो नहीं था वो नहीं रहा। पैसा, जलवा और ताकत ने दुबे को एक आदमी से एक सिस्टम बना दिया। बाकी दुनिया वालों की नजर में कैसा भी हो, मगर अपने गांव समाज के लिए वो किसी मसीहे से कम भी नहीं था। भैया अपने दो आदमी पुलिस वालों ने पकड़ लिए हैं। किस मामले में? उस जमीन के मामले में। किसने अरेस्ट किया? अरे वही अपने तिवारी जी। बताइए दुबे जी, कैसे याद किया? अरे तिवारी जी, आज सुबह 420 जमीन के मामले में जो दो लड़के आपने अरेस्ट किए हैं वो हमारे ही लड़के हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो घोर अनर्थ हो गया दुबे जी। ठीक है दुबे जी, आप चिंता मत करिए, काम हो जाएगा। अमर जी, भैया तिवारी जी को शाम को खाने पे बुलाइए। ठीक है, बहुत काम के आदमी है वो। ठीक, आइए तिवारी जी। नमस्कार दुबे जी। नमस्कार, और कैसे हैं आप? सब बढ़िया। अरे इधर बैठिए। आपके इंतजार में आंखें तरस गई तिवारी। क्या बताएं दुबे जी, थाने में समय काम बहुत रहता है। अमर वाह दुबे जी, मजा आ गया।
अभी आपने हमारे यहाँ के खीर नहीं खाई, स्पेशल है। ए रामू, खीर ले आओ। पैक करना थोड़ा बढ़ा के कराना। वो हो जाएगा, वहाँ जो है सिपाही लोग हैं ना, उनके लिए भी ले जाना। इतना हो जाएगा कि आप दो दिन खाएंगे। ठीक है दुबे जी, नमस्कार। अरे एक मिनट, ये आपके लिए। अरे दुबे जी, इसकी क्या जरूरत थी? रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दुबे जी। प्रणाम भैया। प्रणाम। और भानु कैसे हो? सब आपकी कृपा है भैया। क्या बात है भानु? भैया हमारे ससुराल की जमीन है 6 बीघे, हमारे साढ़ू भाई अकेले ही बेचना चाहते हैं। हमने बेचने से मना किया तो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। क्या नाम है आपके साढ़ू का? रघु तिवारी भैया। रघु तिवारी भैया, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, आप लोग जाओ, हम देखते हैं। अमर जी। भैया बाबू, तुमसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? नाराज मत होना। बाय। हाँ भैया, पता करो ये रघु तिवारी कौन है और उसका इलाज शुरू करो। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, उससे पूछ जरूर लेना कि सिरप पिएगा या गोली खाएगा। ठीक है भैया, इलाज शुरू करते हैं। नहीं बन रही, दूसरी मंगवाओ। बेचेगा दूसरे की जमीन? ये तेरी पहली और आखिरी गलती। अगर अगली बार जमीन बेचने की सोचा भी तो सोचने फिर तेरा भेजा नहीं बचेगा। छोड़ दो इसे, जाने दो। सर धनराज के कहने पर रोज पुलिस वाले चले आते हैं और उनको खिलाने पिलाने में ही सारी कमाई चली जाती है। तो तू ये कहना चाह रहा है कि तू पैसा नहीं दे पाएगा? नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ कम। देखिए जो तू ये कर पा रहा है ना, क्योंकि सार्जन सिंह का हाथ तुम्हारे ऊपर है, समझा? नहीं सारी जिंदगी उठाईगिरी में बीत जाती। अब ज्यादा ज्ञान मत, समझा? अच्छा, और क्या हुआ? बहुत मारा। अच्छा ठीक है, बैठो। दुबे जी, कोई रघु नाम का आदमी आपके खिलाफ FIR लिखाने आया है, क्या करें इसका? ठीक है, उसको बिठा के रखो, आते हैं। ठीक है। अमर, कौन सी दवाई दी थी इसको जो अभी तक आराम नहीं मिला बेचारे को? देखिए सर कैसे गुंडाई दिखा रहे हैं। गुंडाई तुमने अभी हमारी देखी नहीं, सिर्फ जंगल में हो या मैदान में, उसकी पकड़ हमेशा मजबूत रहती है। जी, काला छोड़े रघु का, आप इतना थाने में किसी को धमका नहीं सकते। ए तिवारी, भैया के सामने नजरिया जुबान ऊंची करके बात मत करना। दुबे जी, हम यहाँ आपको बात करने के बुलाए थे और आप हैं कि? हमारी बिल्ली हम ही से में हो। तिवारी, ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, लिख ले इसके FIR और कर ले तुझे जो करना है। तुम जाओ यहाँ से यार, किससे पंगा ले लिया? साला खुद भी डूबोगे, हमको भी ले डूबोगे। चल यहाँ से, जा भाग, चल चल निकल।
तुम ऐसा करो कि इस पे से आपके यहाँ पेश हो जाओ या फिर अपने क्षेत्र के महामंत्री साजन से मिलो। सीओ साहब, रघु के मामले में उचित कार्रवाई की जाए, दोषी चाहे कोई भी हो। चौबे जी सर, कट गया वायरल लंगड़े का, चलो उठा लेते। ओके चलिए सर। बात हो गई है, आप चिंता न करो, काम हो जाएगा। जी ठीक है, नमस्ते। मंत्री जी, दुबे तो अपना आदमी है। काहे का अपना, राजनीति में कोई किसी का अपना नहीं होता है, समझे? आपके नाम का वारंट है दुबे जी, इस बार आपको तो हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। अमर, वारंट लेके आया है। ये वर्दी किसी काम की नहीं रहेगी इंस्पेक्टर, अगर हमारे भैया इस पे रंग न चढ़ाए। अरे जैसे थानेदार ना रोज हमारी हवेली पे सलाम ठोकने आते हैं, और तुम इस वारंट के लिए हमारे दरवाजे पे चले आते हैं, ठीक है? मैं थानेदार, अगली बार जब दुबे के दरबार आइएगा तो चार नहीं, चार थाना का पुलिस लाइएगा। दुबे जी, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अमर की शादी का जश्न मना रहा होता है और दूसरी तरफ दुबे की मौत का वारंट कट चुका होता है। दुबे जी, रघु तिवारी का मुद्दा लेकर सीओ ने एक रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दिया है और आपके एनकाउंटर का आदेश हो गया है। आप कानून में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कानून से मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं। अब आपके पास एक ही रास्ता है, अंडरग्राउंड हो जाए। अंडरग्राउंड तो सांप, चूहे और नेवले हुआ करते हैं। अगर पंडित के दरवाजे पुलिस आई तो याद रखना, उन पुलिस वालों का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। अमर, इस क्षेत्र में जितने भी गुंडे, बदमाश और गैंग वाले हैं, उन सबको घर पर बुलाओ लंच के लिए। शंकरा तिवारी, शिवपाल सिंह, सत्यम उर्फ बउआ, विक्रांत सागर, रामू बाजपेयी, सनोज पुरुषोत्तम, रामाशंकर तिवारी, सुबेदार चरणजीत, कह देना सबको दुबे ने खुद बुलाया है। आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है, सीओ सहित तीन थानों की पुलिस हमारा इनकाउंटर करने आ रही है और हम चाहते हैं कि जब वो गांव में प्रवेश करें तो उनको ऐसा जवाब मिले कि पूरा प्रदेश हिल जाए, ताकि फिर कोई पुलिस वाला दुबे का इनकाउंटर करने की सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। भैया, वो इनकाउंटर करने आएंगे जरूर, लेकिन उनका इनकाउंटर हम लोग करेंगे। पुलिस वालों में इतनी हिम्मत आई कहां से जो आपका इनकाउंटर कर सके?
पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, आने 10 सालों को उनकी चिंता यही चलाएंगे। पुलिस वालों ने ऐसा सोचा भी कैसे? आज हम लोग उन पुलिस वालों का वो हस्त करेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी और हमेशा याद रखेगी, याद रखेगी दुबे को और उसकी गैंग को। गुनहगार तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ये वक्त है यादगार बनने का। अमर जी भैया, सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करो और पेट्रोल का बंदोबस्त करो। आने 10 सालों को आज उनका यही तंगड़ी कबाब बनाएंगे। सर, किसी चूतियों ने बीच रास्ते में जेसीबी खड़ी कर रखी है। कुछ तो गड़बड़ है। हमें लगता है सर, हमारे आने की सूचना इनको पहले से मिल चुकी है। हाँ, नारद जी ने आके उसको पहले से बताया होगा। तू भी नहीं, सुल्तान कुछ भी बोलता रहता है। तुमसे बाद में बात करूंगा। यहाँ चारों तरफ गोलियां ही गोलियां चल रही हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बात करनी है बस। जब देखो तब झूठ बोला करते हो। समझा करो यार, मैं झूठ नहीं बोला सकते, यहाँ गोलियां चल रही हैं। हमें तो कोई गोलियों की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, वीडियो कॉल करो। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ, क्या हुआ? लो लो देखो। कहां? हमें नहीं दिखाई दे रहा कहां गोलियां चल रही हैं। तुम एक नंबर के झूठे कमीने दो के बाद। लो, अरे मादर चोदो, चलाओ ना गोलियां। वीडियो कॉल क्यों कट कर दी? हेलो हेलो हेलो, आ गया होगा ना किसी लड़की का फोन। जाओ उसी के साथ मरो जाके। भैया तो ढूंढो। भैया ये रहा सीओ। हाँ
क्या बोल रहा था? लिंगड़ा है? लिंगड़ा लिंगड़ा सर, हम पे हमला हुआ है। अमर जी भैया, पेट्रोल का क्या हुआ? भैया बोले थे पहले से इंतजाम कर लिए हैं। कोई भी पुलिस वाला बचना नहीं चाहिए, सबको कुएं में डाल और पेट्रोल डाल के मज लगा। ठीक है भैया। अब क्या करें? पीछे दरवाजे से जियो साहब और हमारे सारे साथी मारे जा चुके हैं सर। सर जल्दी से मदद भेजिए। दुबे जी, आप लोग यहाँ से जल्द निकल जाइए, यहाँ पर फोर्स कभी भी पहुँच सकती है। दुबे जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम तो आपके आदमी हैं। दुबे जी, ये क्या कर दिया? हम तो आपके आदमी हैं। इसीलिए तो हम अपनों का ख्याल रखते हैं, इससे तुझ पे कोई शक नहीं करेगा। गांव के बाहर जाने वाले सारे रास्ते सील कर दिए जाए और आसपास के गांव में छापेमारी करो। दुबे और दुबे के साथी किसी भी कीमत पे बच के जाने नहीं चाहिए। अमर, सबको लेके नदी किनारे वाले मंदिर में मिल, मैं तुझे वहीं मिलता हूँ। साबिर, सर हम सब दुबे को पकड़ने गए थे, अचानक से दुबे ने हम सब पे हमला कर दिया और हमारे कई साथी मारे गए सर। सर, सर गोलियों के निशान देखने से ऐसा लगता है कि सभी अपराधियों ने छतों से गोली चलाई है, क्योंकि गोली के निशान सीधे नहीं बल्कि क्रॉस हैं। ठीक है, तुम छत पर जाके देखो, शायद तुम्हें वहां कुछ मिले। ओके सर।
सालों ने बड़ी बेरहमी से मारा है। साजन, इन अपराधियों में से कोई जिंदा बचना नहीं चाहिए। ओके सर, सालों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक तो साला अपने बाबू के चक्कर मारा। सीओ तो बाउंड्री के पीछे छुपा था, कार दिया पैर साले को लंगड़ा बना दिया। भैया आपका करना है, बताते हैं। अमर जी भैया, बाकी लोग कहाँ हैं? भैया इतने ही लोगों से संपर्क हो पाया है, बाकी सब लोगों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, तुम लोग भी अपना अपना फोन तोड़ दो। बस हो गया। अमर ये लो पैसे और सबको बांट दो। कोई किसी से संपर्क नहीं करेगा जब तक मैं न कहूँ। 15 तारीख को मैं अपना सिलेंडर कर रहा हूँ। मेरी सिलेंडर की खबर सुनते ही तुम लोग भी अपना अपना सिलेंडर कर देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो निकलो तुरंत। अमर कल शिवपाल को लेकर टुनियाले फार्म पे मिलो, वही मिलते हैं। चलो भैया। आप हमारे पीछे पुलिस खड़ी है। ठीक है भैया, जल्दी से अंदर आइए। भैया आप अंदर जाइए, हम बाहर देखते हैं। दुबे जी के लिए इस टाइम यूबी कानपुर से आ रही बड़ी खबर सामने। यहाँ बदमाशों से मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। यह घटना कानपुर के बेकरू इलाके की बताई जा रही है, जहाँ बदमाश दुबे और उसके साथियों ने मिलकर 8 पुलिसकर्मियों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। दबिश डालने गए पुलिस पर रात के अंधेरे में दुबे व उसके साथियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें सीओ बिल्लौर समेत 8 पुलिसकर्मी हुए शहीद। शहीद हुए जवानों पर सीएम योगी ने दिए अफसरों को कड़े निर्देश। शहीद हुए जवानों के अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी चाहिए। जवानों की चिताओं की आग बुझने से पहले ही या तो जेल के अंदर हो या फिर जमीन के अंदर। यार शिवपाल, मुझे घर की बहुत चिंता हो रही है। आप पैसे का मुंह मत देखिए, पैसा आप जितना चाहोगे उतना मिलेगा, लेकिन हमारे साथियों को कुछ नहीं होना चाहिए। और फाइल लड्डन को दे दिया। सोचे तो शादी के बाद इसे छोड़ देंगे। आप इस नंबर पे कॉल मत करिएगा, हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। मगर भैया ने फोन करके अच्छा फंसा दिया। हमने फंसा दिया तुमको? जब अच्छा वक्त चल रहा था तो बड़े भाई थे हम, अच्छे थे हम, और आज बुरा वक्त चला तो बुरे हो गए हम, और तुम सब दूध के धुले हो गए। और क्या, सोचे तो शादी के बाद ये सब छोड़ देंगे, आपने कॉल करके अच्छा फंसा दिया। हमारा दिमाग मत खराब कर, जब बोले कुछ नहीं होगा तब की फालतू की बातें कर रहा है। अब आपसे कुछ नहीं होगा भैया, अब पुलिस वाले हम लोगों का इनकाउंटर करके ही मानेंगे। इनकाउंटर नहीं समझ में आ रहा तुझको? मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है, मैं जा रहा हूँ। अमर, अमर शिवपाल इसके साथ जा, इसका ख्याल रख, साला उल्टी खोपड़ी का कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। ठीक है भैया, ले जा इसे। सर शहर से बाहर जाने वाले सारे रास्ते सील कर दिए सर, बस स्टेशन रेलवे स्टेशन सब सील कर दिए सर। शहर से लेकर गांव तक जितने भी उसके मकान व रिलेटिव वाले हैं सब जगह अपने आदमी लगा दिए सर। दुबे बचकर जा नहीं सकता सर। लेकिन वो काफी ऊपर तक उड़ सकता है, तुमने अभी तक एयरपोर्ट इमिग्रेशन को एक्टिव क्यों नहीं किया? अभी करता हूँ सर। सखराज। यस सर। एयरपोर्ट इमिग्रेशन रेड अलर्ट जल्दी। ओके सर। दुबे किसी भी तरह बाहर जाने की कोशिश जरूर करेगा, वो जो 2 नंबर की ट्रैवल एजेंसी है उन पे छापा मारना शुरू करो। यस सर। भाग गए साले, लगता है इनको पहले से किसी ने सूचना दे दी।
इसका नंबर सर्विलांस पे लगवाओ और इसकी सारी कॉल डिटेल्स चेक कराओ। पुलिस उसकी सारी संपत्ति को तहस नहस कर डालती है। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया, मुझे तो लगता है आप लोग हो नहीं पाएगा। अब मुझे अपना काबिल अफिसर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट डीएसपी सूर्य को बुलाना ही पड़ेगा, जो अपनी टेढ़ी खोपड़ी से अच्छे अच्छों को सीधा कर देता है। सूर्य जय हिंद। बैठो सूर्या। थैंक यू सर। ये तो तुम समझ ही गए होगे सूर्या कि हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया। यस सर। उसने हमारे 8 सिपाही भाइयों की बड़ी बेरहमी से हत्या की और हम ये चाहते हैं कि इस ऑपरेशन को तुम अंजाम दो। ऊपर से चीफ मिनिस्टर साहब का आदेश है कि दुबे 1 हफ्ते के अंदर जेल में होना चाहिए। अब तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन का टाइम। तुम कुछ भी करो, 5 दिन के अंदर तुझे जेल में होना चाहिए। आई होप यू डोंट लेट मी डाउन। ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये देखिए सर, ये दुबे के जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके कॉल डिटेल्स हैं सर। ये दुबे के कॉल डिटेल्स हैं सर। घटना को अंजाम देने से पहले सबसे ज्यादा इन्हीं नंबरों पे बात हुई है सर, लेकिन ये सारे के सारे नंबर अब स्विच ऑफ जा रहे हैं। ठीक है, तुम स्विच ऑफ हुए नंबरों की कॉल डिटेल्स निकालो और पता करो स्विच ऑफ होने से पहले इनकी लास्ट लोकेशन क्या थी। साहिल, तुम डॉग स्क्वाड वालों को इन्फॉर्म करो। हेलो पाठक जी, मैं कुछ नंबर आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, मुझे उन नंबरों की कॉल डिटेल्स अर्जेंट चाहिए लोकेशन के साथ। ठीक है सर, भेजता हूँ। हेलो
हमें लगता है सालों ने मोबाइल यहीं तोड़ के फेंक दिया है ताकि उनकी कोई लोकेशन ट्रेस ना कर सके। सर्जन, यहाँ से लेकर के 20 किलोमीटर तक की रेंज में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, चाहे वो किसी घर के बाहर के कैमरे हों या फिर मॉल मार्केट, सबके यहाँ दुबे और दुबे के साथियों की फोटो भेजो और उनसे बोलो 2 से 3 जिलों की रिकॉर्डिंग चेक करें, और इनमें से किसी को कोई दिखाई पड़ता है तो बताने वाले को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 1,00,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ऐसी घोषणा कर दो, देखते साले कहाँ बच के जाएंगे। मोहरपाल, सार्जन, हमें लगता है वो लोग नदी के रास्ते से उस पार गए हैं। यस सर, नाव भी उसी पार खड़ी हुई है। तुम एक नाव का बंदोबस्त करो, हम लोग उस पार चलेंगे। नाव का बंदोबस्त करना तो मुश्किल है सर, हम लोग आगे ब्रिज से उस पार जा सकते हैं। कम ऑन। छापेमारी करो, उसके रिलेशन वालों के यहाँ देखो कहीं कहीं छिपा बैठा होगा। हाँ कबीरलाल, खबर पक्की है ना? हाँ सर, 100% पक्की खबर है सर। साजन, कौन पास? साहिल, दुबे का आदमी पास के ही गांव में छिपा बैठा है, बोलो ठोक देते हैं साले को। जय हिंद सर, विक्रांत सागर इनकाउंटर में मारा गया था। यूपी पुलिस ने कुख्यात अपराधी विक्रांत सागर को मुठभेड़ में मार गिराया है। अब दुबे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वह दिन दूर नहीं जब दुबे जेल की सलाखों के पीछे होगा। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम। कौन? दुबे बोल रहे हैं। हाँ हाँ दुबे, तुमने हमें क्यों फोन किया? हमें भी मरवाओगे क्या? मंत्री जी, हमें आपसे मदद चाहिए। दुबे, अब हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुमने 8 पुलिस वालों की हत्या की है। तुम हत्यारे हो, हत्यारे। अगर हम हत्यारे हैं तो आप भी कोई दूध को धुले हुए नहीं हो मंत्री जी। हमें सब पता है, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में जाने कितने बेगुनाह का खून बहाया है आपने। हमसे ज्यादा नेतागिरी मत करिए आप, वरना हमारा तो वक्त ही खराब चल रहा है, आपकी जिंदगी खराब कर देंगे, समझे? इसीलिए बोल रहे हैं, व्यवस्था कीजिए वरना कर देंगे वायरल। हम तो जाएंगे ही, साथ में आपको भी लपेट ले जाएंगे। अरे दुबे जी,
आप नाराज ही होते हैं, करते हैं मैम कुछ व्यवस्था। ये हुई ना बात मंत्री जी। देखो दुबे, पुलिस तुम्हारे पीछे कुत्तों की तरह पड़ी है। अगर मैंने तुमको यहाँ सिलेंडर करा भी दिया तो पक्का है पुलिस तुम्हें यहाँ जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम ऐसा करो, दूसरे प्रदेश में जाकर सरेंडर करो, वहाँ की पुलिस तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। लेकिन मंत्री जी, वहाँ तक पहुँचने की व्यवस्था आपको करनी होगी, क्योंकि हर चौराहे पर तो पुलिस का पहरा है। ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी। सर चाय। थैंक यू। काले आराम से, चिंता मत कर, बात हो गई है तेरी। बच गया तू, कल तक तुझे कोर्ट में सरेंडर कराना है। काले, पर भैया ने कहा था कि 15 दिन बाद सरेंडर करना, तो इतनी जल्दी क्या पड़ी? अरे हमें क्या पता, हम तो उसको ठोकने वाले थे, पर उसकी पकड़ना बहुत ऊपर तक है। तेरी शादी तो होगी होगी ना? अभी नहीं। अरे गर्लफ्रेंड तो होगी, बताना। 3 है। तब तो बहुत मजे करता होगा। अच्छा ये बता, तेरे बाकी के साथी कहाँ पे हैं? उनको भी सरेंडर करने का आदेश मिला है? बाकी का मुझे नहीं पता, भैया जी ने सबके फोन तुड़वा दिए थे। बहुआ का पता है, इटावा में है अपने फूफा के घर। क्या हुआ सर? हमें लगता है गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। ठीक है तुम चेक करो, तब तक हम लोग हल्के हो लेते हैं। आजा तू भी हल्का हो ले, वरना किडनी खराब हो जाएगी। प्रशांत, सर आपने तो बिल्कुल खींचा लेदर कर दिया सर। ऊपर रिपोर्ट क्या करेंगे सर? मैं बात करता हूँ। जय हिंद सर। सर हम लोग प्रशांत को लेकर ही आ रहे थे कि रास्ते में अचानक गाड़ी पंचर हो गई, और सर प्रशांत ने भरपाल की गन छीन कर भागने की कोशिश की। जब हमने उसे सरेंडर करने के लिए बोला तो उसने उल्टा पुलिस की फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में घायल हो गया सर। हम लोग उसे हॉस्पिटल लेकर ही जा रहे हैं, पर हमें नहीं लगता सर कि वो बच पाए।
अरे बउआ कहाँ है? बोल, बोल, बोल साले बउआ कहाँ है? बोल, बोल साले बउआ कहाँ है? बता रहा सर, बोल बता रहा सर। आ गए भाग साले पुलिस आ गई। इसी ने सोसा का पैर काटा था। राज, इसके पैर पे इतनी गोलियां मारो कि अगले 7 जन्म तक लंगड़ा पैदा हो। ए बुआ, देख अमर, इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला, जो होना था वो हो गया। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे घर की बहुत याद आ रही है। शिवपाल, शिवपाल, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है भाई। और मैं अपने लिए नहीं जीना चाहता, अपनों के लिए जीना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ना रहने के बाद मेरी माँ और मेरी बीवी का ख्याल कौन रखेगा। जब भैया ने बोला है कुछ नहीं होगा तो क्यों परेशान हो रहा है? मुझे यकीन है भैया कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। यह
सुपर, मुझे घर वालों से बात करना है, कुछ भी करके एक बार बात करा दे यार। क्या हुआ सर? बहुत जोर की आई सर। ठीक है, हो कर ओके सर। सर जब आपके गोली लगी थी तो आपको कैसा फील हुआ था? ऐसा लगा जैसे बच्चा बाहर आ गया हो। यार पानी का बोतल रखा था, किधर गया? सर वो तो सकरा ले गया। भंवरपाल। यस सर। यार मैंने पानी की बोतल में वोडका मिक्स करके रखा था और वो लेके चला गया, बुलाओ उसको वरना उसका पिछवाड़ा उछल के डांस करने लगेगा। यस सर। सकरास। हाँ आया। हाँ पाठक जी बोलिए। सर दुबे ने अभी भी फरीदाबाद के एटीएम से ट्रांजैक्शन किया सर। अरे साला कौन सा पानी था, पूरा चुनचुनाने लगी है। ठीक है तुम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भेजो। ए चल 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 दुबे का पता चल गया। रुको, तुम लोग हमें पीछे से कवर करोगे और इस बात का ध्यान रखना दुबे की नजर तुम लोगों पे नहीं पड़नी चाहिए। साहिल कम ऑन लेट्स गो।